गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रा आप सबका नव भारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 का डिटरमिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो उसमें डेफिनेशन फर्स्ट है माइनर की। माइनर क्या होता है कि डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट होता है ए आई जे, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो उसमें उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं कि आईएथ रो और जेएथ कॉलम जो होती है ए आई जी के अकॉर्डिंग, ए आई जी में जो आईएथ रो और जेएथ कॉलम होता है उसको हम डिलीट कर दें, ठीक है। उस माइनर एलिमेंट ए आई जे को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे। जैसे कि हमने ले लिया ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है, ये हमारा है डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि A21 का माइनर निकालना है, तो A21 का माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ A21 इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, कैपिटल M21, ठीक है। क्या करेंगे, A21 ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट कर देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये A12, तो ये आ गया हमारा माइनर ऑफ A21 का, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, n कब होएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, n माइनस वन, जो भी वैल्यू होगी उसमें से माइनस वन कर देंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन हैगा, डिटरमिनेंट हैगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन। हमें माइनर किसका निकालना है, एलिमेंट 6 का। तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ है, कौन सी पोजीशन पे है, A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A23 का, कैपिटल M 2, 3। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड कॉलम को ढकलेंगे और सेकंड रो को, बचेगा क्या, 1, 2, 7, 8, ठीक है, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस करके 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 1 को 8 के साथ करेंगे तो 8, माइनस 2 को 7 से करेंगे 14, ठीक है। क्या मिला हमें, 6 माइनस का, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो माइनर है एलिमेंट 6 का, उसका माइनर क्या आया हमें, माइनस 6, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें एक डेफिनेशन दे रखी है किसकी, कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या है, एलिमेंट ए आई जी है उसको डिनोट करता है कैपिटल ए आई जी से। और डिफाइन कैसे होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन आई प्लस जे, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर आई और जे होगा वो इधर लिखना आई प्लस जे, और जो माइनर निकालते हैं उस आई जे ए आई जे का, वो कि कोई एलिमेंट हमारा ए आई जे है उसका हम पहले क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे यानी कि एम आई जे, ठीक है, फिर हम ए आई जे निकालेंगे। ए आई जे कैसे निकलेगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे, ठीक है। ठीक है, इससे हमारा कोफैक्टर निकल जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, माइनर भी निकालेंगे और कोफैक्टर। यदि हमें सिर्फ कोफैक्टर बोल दें निकालने के लिए तो भी हमें माइनर निकालना है, ठीक है। कोफैक्टर दिया जाए कि हमें फाइंड करो कोफैक्टर, तो हमें माइनर भी निकालना होगा, ठीक है। तो हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, 1 - 2, 4, 3, क्या पूछा है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो किसके लिए, यहाँ पर गिवन नहीं दिया गया कोई एलिमेंट प्रॉपर, तो हमें क्या करना होगा, सबके लिए निकालना है। तो सबके लिए पहले हम क्या लेके चलेंगे, ये हमारा A11 होता है, ये हमारा A12, ये A21 और ये A22, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले M11, M11 क्या है,
ये फर्स्ट, तो हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट सॉरी फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, थ्री, ठीक है। और इसका ए वन यानी कि को फैक्टर क्या मिलेगा हमें, ए वन वन का माइनस वन की पावर, आई क्या है यहाँ पर वन और जे क्या है यहाँ पर वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा इनटू में एम आई जे, एम वन वन, एम वन वन क्या है माइनस वन की पावर वन प्लस वन, एम वन वन की वैल्यू यहाँ पर क्या है थ्री, तो हम यहाँ पर थ्री लिख देंगे। तो माइनस वन की पावर टू इंटू में थ्री, माइनस वन की पावर टू को क्या करेंगे हम, क्या आएगा प्लस का वन हो जाएगा, वन इंटू में थ्री थ्री, तो एम वन वन की वैल्यू आ गई थ्री, सॉरी ए वन वन की वैल्यू आ गई थ्री। एम वन टू, एम वन टू कौन सा एलिमेंट है, ये वाला माइनस टू का, तो हम क्या करेंगे सेकेंड कॉलम को और फर्स्ट रो को ढक लेंगे, क्या बचेगा फोर। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर इस ए टू टू का, तो सॉरी ए वन टू का, तो क्या मिलेगा माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू, माइनस वन की पावर थ्री, एम वन टू की वैल्यू क्या है हमारे पास फोर, फोर ले देंगे, माइनस वन की पावर थ्री क्या होगा माइनस वन इंटू में फोर, तो माइनस फोर, ये हमारा कोफैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे एम वन थ्री टू वन, एम टू वन यानी फोर, फर्स्ट कॉलम को और सेकेंड रो को ढक लेंगे, क्या मिलेगा हमें माइनस का टू। अब हम निकालेंगे ए टू वन माइनस वन पावर टू प्लस वन, एम टू वन माइनस वन की पावर थ्री इंटू में माइनस का टू, माइनस वन की पावर थ्री करेंगे तो माइनस वन मिलेगा इंटू में माइनस टू, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का टू। अब हम निकालेंगे एम टू टू, एम टू टू यानी कि थर्ड, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को ढक लेंगे क्या मिलेगा हमें एम टू टू वन। अब हम निकालेंगे ए टू टू यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए टू टू, माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू, माइनस वन की पावर फोर, एम टू टू की वैल्यू क्या है वन, माइनस वन की पावर फोर क्या होगी वन, वन इंटू में वन वन, ये हमारे कोफैक्टर और माइनस आ गए चारों के चारों एलिमेंट्स के, ठीक है, ये हमें बताना था। अब हम आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल है जिसमें बोला है क्या करना है, फाइंड करनी है माइनर और कोफैक्टर्स एलिमेंट ए वन वन और ए टू वन के, ठीक है, ये हमें बताने हैं किसका डिटरमिनेंट गिवन है हमारा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, हमें बताना किस किस का है, सिर्फ ए वन वन और ए टू वन का, तो ए वन वन का है ये रहा और ए टू वन ये रहा, ठीक है, इन दोनों को बताना हमें माइनर को फैक्टर। तो हम पहले ए वन वन का लेके चलते हैं, ए वन वन का लिखेंगे हम माइनर ऑफ ए वन वन का, डिनोट ऐसे ही करते हैं ए वन वन का कैपिटल एम वन वन इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे और फर्स्ट रो को ढक लेंगे, तो इन दोनों को ढकेंगे तो क्या आएगा ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे ए टू टू की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए थ्री थ्री के साथ, ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस, अब ए टू थ्री की ए थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए टू थ्री ए थ्री टू, ठीक है, ये हमारी एम वन वन की वैल्यू आ गई। अब हम इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते साथ में ए वन वन, ए वन वन क्या करेंगे हम माइनस वन की पावर वन प्लस वन, ये आई और जे क्या है यहाँ पर दोनों ही वन वन है, एम वन वन माइनस वन की पावर वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, और एम वन वन की वैल्यू क्या है ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री टू, ठीक है, ये एम वन वन की वैल्यू होगी। माइनस वन की और स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा वन इंटू में वापस वही एम वन वन की वैल्यू ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री
A32 वन के साथ इन सबकी वैल्यू पाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एडिटिव आ जाएगी, A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दूसरे एलिमेंट के निकालेंगे, क्या था हमारा दूसरा A21, तो ये कौन सी पोजीशन पे, A21 पोजीशन पे, तो M21 माइनर ऑफ A21 को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M21 के क्या मिलेगा, हम ये सेकंड रो को डक लेंगे और फर्स्ट कॉलम को, तो क्या मिलेगा A12 A13 A32 A33 ये मिलेगा हमें। अब A12 की मल्टीप्लाई A313 के साथ कर देंगे, A12 A33 माइनस A13 के अब A32 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A13 A32। ठीक है, ये माइनर आ गया, अब हम कोफैक्टर निकालेंगे A21 का, तो क्या आएगा A कैपिटल A21 माइनस 1 की पावर, I क्या है पर 2 और J 1, तो 2 प्लस 1 M21 माइनस 1 की पावर 3। M21 की वैल्यू पुट कर देंगे A12 A33 माइनस A13 A32 माइनस 1 की पावर 3 क्या आएगा माइनस 1 A12 A33 माइनस A13 A32। अब माइनस 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा, माइनस का A12 A33 प्लस A13 A32, ये हमारा माइनर और कोफैक्टर आ गए दोनों के। ठीक है, यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें एग्जांपल दिया है कि माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसका माइनर कोफैक्टर निकालना, फिर हमें प्रूव करना वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं, ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो पहले हम क्या करेंगे, सबके सारे के सारे एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, M11 पहले एलिमेंट का निकालते हैं, M11 निकालेंगे तो क्या आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे तो क्या मिलेगा 0 4 5 माइनस का 7। जीरो की मल्टीप्लाई माइनस 7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 4 के 5 के साथ करेंगे 20, तो क्या मिला हमें माइनस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे A11 निकालेंगे, A11 क्या है माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 M11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 2, 1 प्लस 1 क्या था 2, M11 क्या है माइनस का 20। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू में माइनस 20, तो क्या होगा आंसर माइनस का 20। ठीक है, M11 की वैल्यू है माइनस 20, A11 की वैल्यू है माइनस 20। अब निकालेंगे M12, M12 कौन सा एलिमेंट है इसका निकालना है माइनस 3 का, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा 6 4 1 माइनस 7। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालें कैसे, 6 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 42 माइनस 4 को 1 के साथ करेंगे 4, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा ऐड, तो माइनस का 46, ये हमारा आ गया M12। अब A12 निकालेंगे, A12 कैसे निकलेगा माइनस 1 की पावर I क्या है 1 और J क्या है 2, M12 माइनस 1 की पावर 3, M12 की वैल्यू माइनस का 46, माइनस 1 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू में माइनस 46, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 46 आ जाएगा, ये हमारी A12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं M13, M13 यानी कि इस 5 के निकालना है हमें M13, माइनर 5 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को ढक लेंगे, क्या बचेगा 6 0 1 5, 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 30, माइनस 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, तो क्या मिला हमें 30।
ये हमारा माइनर हो गया 1/3 एलिमेंट का। ए 1/3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 एम 1/3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, एम 1/3 क्या है 30। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस 1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस 1 इंटू में 30 तो 30। ये हमारा आ गया ए 1/3। अब हम निकालेंगे एम 1/4 सॉरी एम 2/1। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है एम 2/1 सॉरी ए 2/1। तो हम इसका निकालेंगे तो एम 2/1 लिखा जाएगा माइनर। क्या हुआ, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, क्या मिलेगा हमें माइनस का 3 5 5 -7। माइनस 3 की माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 21 माइनस 5 की 5 से 25। क्या मिला हमें माइनस का 4। ये हमारा माइनर आ गया ए 2/1 का। अब हम निकालेंगे ए 2/1 यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए 2/1 का, कैपिटल ए 2/1 लिखेंगे। माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 एम 2/1 माइनस 1 की पावर 3 इंटू में माइनस 4। माइनस 1 की पावर 3 क्या आएगा माइनस 1 इंटू में माइनस का 4। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या है ए 2/1 प्लस का 4। अब हम निकालेंगे 0 का तो क्या आएगा एम 2/2 माइनर हो गया ए 2/2 का। तो हम क्या करेंगे सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को ढक लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 5 1 -7। 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14 माइनस 5 को 1 के साथ करेंगे माइनस 5 हो जाएगा। माइनस का 14 और माइनस 5 माइनस का 19। ये हमारे पास ए 2/2 एम 2/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ए 2/2 निकालेंगे। ए 2/2 कैसे निकलेगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इज सॉरी एम 2/2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगी 4। तो माइनस 1 की पावर 4 का क्या होगा प्लस 1 एम 2/2 की वैल्यू माइनस का 19। क्या मिला हमें माइनस 19। अब निकालेंगे एम 2/3। एम 2/3 कैसे निकलेगा सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को ढक लेंगे, क्या मिला हमें 2 -3 1 5। 2 के 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस माइनस 3 के 1 के साथ करेंगे तो माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिख देंगे 10 + 3 30। ये एम 2/3 आ गया। ए 2/3 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 एम 2/3 की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 की पावर 5 इंटू में 13 माइनस 1 की पावर 5 क्या होगा माइनस माइनस इंटू में 30 माइनस का 30। ये हमारी ए 2/3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए 3/1 सॉरी एम 3/1। एम 3/1 कैसे निकलेगा थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, बचा गया माइनस का 3 5 0 4। माइनस 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिला हमें माइनस का 12 और 5 की 0 के साथ करेंगे तो 0। तो हमें आंसर आया -12। ए 3/1 निकालेंगे माइनस 1 पावर 3 प्लस 1 एम 3/1 की वैल्यू माइनस का 12 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 12 क्या मिला माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है प्लस 1। तो हमें मिला माइनस का 12। अब निकालेंगे एम 3/2। एम 3/2 थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को ढक लेंगे 2 5 6 4। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8। 6 को 5 के साथ करेंगे 30 माइनस का 28। ये हमारा एम 3/2 हो गया। अब हम निकालेंगे ए 3/2। ए 3/2 कैसे निकलेगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 एम 3/2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। एम 3/2 की वैल्यू माइनस का 28। माइनस 1 की पावर 5 है तो क्या होगा माइनस 1 इंटू में माइनस का 28।
तो माइनस माइनस का जगह प्लस, प्लस का 28 आएगा। अब हम निकालेंगे एम 33 माइनस वन की पावर 3 प्लस 3, सॉरी एम 33 कैसे निकलेगा, थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को रख लेंगे, क्या मिला हमें 2 माइनस 3 6 0, 2 की 0 के साथ करेंगे 0, माइनस माइनस 3 की 6 के साथ करेंगे माइनस का 18, माइनस माइनस क्या देगा प्लस, प्लस का 18, ए 33 निकालेंगे माइनस वन की पावर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, एम 33 की वैल्यू पुट करेंगे 18, माइनस वन की पावर 6 यानी प्लस वन, प्लस वन इंटू में 18, ठीक है, ये हमारे पास ए 33 आ गया। अब हमने सबके माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे ये वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो पहले क्या करेंगे इसको लिख लेंगे ए 11 डायरेक्ट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट, तो हमें क्या बोलोगे पहले A11 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, फिर कैपिटल A31, कैपिटल A31 क्या है हमारे पास यहाँ पर है माइनस का 12 प्लस A12 क्या है माइनस का 3, फिर हमारे पास A32 क्या है 28, फिर A13 प्लस A13 क्या है 5, कैपिटल A33 यानी कि 18, ठीक है, इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है कि 0 आए, तो क्या हुआ 12 × 22 माइनस का 24 माइनस 3 × 28 84, 5 × 18 यानी 18 × 5 जा 90 इक्वल माइनस 24 और माइनस 84, प्लस 90, ठीक है, कितना बचा माइनस 8 18, तो ये हमारी जो इक्वेशन थी क्या हुई रॉन्ग हो गई, ये 0 के इक्वल ही नहीं आ रही, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने गलती तो नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे पहले A11 लेके क्या है 2, फिर है कैपिटल A31, कैपिटल A31 क्या है यहाँ पर माइनस का 12 माइनस माइनस 12 A12 माइनस का 3 A32 या माइनस का, यहां गलती कर रखी हमने M32 गलत निकाल रखा हमने, हम पहले इसको करेक्ट करेंगे माइनस का 22, तो A32 हमारा क्या आया 22, तो यहां पर हम कर देंगे इसको चेंज, यहां पर आएगा 22, ठीक है, माइनस का 66 माइनस का 90, तो हमारा क्या आ गया ये 0, ठीक है, तो जी हमारे वेरीफाई करा था हमने ये इक्वेशन, ये क्या आ गया करेक्ट हो गई कि हमारा 0 आ गया, हमने यहाँ पर मिस्टेक करी थी, A32 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 22, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है माइनर निकालना, तो फैक्टर निकालना है जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसका, तो यानी कि हमें सब एलिमेंट के निकालना है। तो हम पहला लेके चलते हैं 2 - 4 = 3, ठीक है। हम भी फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, तो यानी कि माइनर निकाल रहे हैं हम 1 1, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम क्या मिला हमें 3। अब हम a11 निकालेंगे, a11 की वैल्यू क्या -1 की पावर 1 + 1, m11 की वैल्यू क्या 3 - 1 की पावर 2 × 3, -1 की पावर 2 क्या आएगा +1 × 3, क्या मिला हमें 3। m12 यानी फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डक लेंगे, क्या मिला 0। a22 a11 1 2 1 + 2 × m12 क्या 0, तो ये क्या हो गया 0। m21 क्या है सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डक लेंगे, -4 a21 = -1 की पावर 2 + 1, m21 क्या है -4 -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर 3 -4 -1 की पावर 3 क्या है -1 × -4 क्या हो जाएगा +4। अब निकालेंगे m22 क्या है सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को डाल लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 2 a22 -1 की पावर 2 + 2, m22 -1 की पावर 4, m22 क्या है +2, -1 की पावर 4 क्या है +1 × 2, क्या मिला हमें 2, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए चारों एलिमेंट्स के, क्या आ गए माइनर और कोफैक्टर। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, सेम ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे में क्या करना है कि कोफैक्टर निकालना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के एलिमेंट्स का यूज करके हमें कोफैक्टर निकालना है, यानी कि सेकंड एलिमेंट रो जो रो है ये सेकंड रो है इसी के हमें कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं एलिमेंट सेकंड रो का, क्या आएगा कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तो m21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास। अब क्या करेंगे सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डाल लेंगे, तो क्या बचेगा 3 8 2 3, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, -8 की 2 के साथ करेंगे 16, क्या मिला -7 a21 -1 की पावर i क्या यहाँ पर 2 और j क्या 1, m21 -1 की पावर 3, m21 की वैल्यू क्या है -7 -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा -1 इंटू में -7 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा +7। हम निकालेंगे m22 यानी कि हम क्या करेंगे सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को डाल लेंगे 5 8 1 3, ये मिला हमें 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, -8 को 1 के साथ करेंगे 8, क्या मिला हमें 7, a22 -1 की पावर 2 + 2, m22 -1 की पावर 4, m22 की वैल्यू क्या है 7 -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा +1, तो +1 × 7 7। अब हम क्या करेंगे 1 की निकालेंगे यानी कि m23। अब हम क्या करेंगे सेकंड रो को थर्ड कॉलम को डाल लेंगे 5 3 1 2, ये मिला 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, -3 की 1 के साथ करेंगे 3, क्या मिला हमें 7। अब हम इसको क्या निकाल लेंगे कोफैक्टर निकाल लेंगे a23 -1 की पावर 2 + 3, m23 -1 की पावर 5, m23 की वैल्यू क्या 7 -1 की पावर 5 क्या जाएगा -1 इंटू में 7 क्या है -7। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज का क्या आ गया
कोफैक्टर आ गया, एम टू वन का सेवन आया, एम टू थ्री एम टू सॉरी ए टू वन का सेवन, ए टू टू का सेवन, ए टू थ्री का माइनस सेवन, ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या करना हमें, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम क्या है हमारी, ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो हम पहले लेके चल रहे हैं, पहला एलिमेंट क्या है, ए वन थ्री, तो उसका माइनस निकालेंगे, कैपिटल एम वन थ्री। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को डकलेंगे, क्या मिला हमें, वन वाई वन जेड, वन को जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड, माइनस वाई को वन के साथ करेंगे वाई, ए वन थ्री निकालेंगे, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, एम वन थ्री माइनस वन की पावर फोर, एम वन थ्री की वैल्यू क्या है, जेड माइनस वाई, माइनस वन की पावर फोर क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो क्या मिला हमें, जेड माइनस वाई। अब हम सेकेंड की निकालेंगे, ए टू थ्री, यानी सेकेंड रो को डक लेंगे थर्ड कॉलम को, क्या मिला, वन एक्स वन जेड, वन की जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड, माइनस एक्स की वन के साथ करेंगे एक्स, ए टू थ्री निकालेंगे, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, एम टू थ्री की वैल्यू क्या है, जेड माइनस एक्स, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री और माइनस वन की पावर फाइव, जेड माइनस एक्स, माइनस वन की पावर फाइव क्या होगा, माइनस वन, क्या मिला हमें, माइनस वन, जेड माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, एक्स माइनस जेड। अब निकालेंगे एम थ्री थ्री थर्ड एलिमेंट की, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डबलिंग क्या मिलेगा, वन एक्स वन वाई, वन की वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वाई एक्स की वन के साथ करेंगे तो एक्स, ए थ्री थ्री निकालेंगे, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, एम थ्री थ्री, माइनस वन की पावर सिक्स, एम थ्री थ्री क्या है, वाई माइनस एक्स, माइनस वन की पावर सिक्स क्या देगा, प्लस वन, इंटू में वाई माइनस एक्स, क्या मिला, वाई माइनस एक्स। तीनों के कोफैक्टर्स आ गए, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें बताना था। आगे देखते हैं, आगे हमें कि डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, ए आई जे निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का, मतलब सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमें ये प्रूव करने हैं। पहले हम ए आई जे निकालेंगे, एम वन वन निकालते हैं, एम वन वन ए वन वन का निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डक लेंगे, ए टू टू में डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए टू टू, ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री, ए थ्री टू, ए वन वन क्या आएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, ए टू टू, ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री, ए थ्री टू माइनस वन का स्क्वायर क्या देगा, प्लस वन, क्या मिली हमें वैल्यू, ए टू टू, ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री, ए थ्री टू, अब हम एम वन टू निकालेंगे, एम वन टू यानी फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को ढक लेंगे, ए टू वन, ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए वन टू निकालेंगे, माइनस वन की पावर वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, एम वन टू की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस वन की पावर थ्री क्या देगा, माइनस वन, माइनस वन के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का ए टू वन, ए थ्री थ्री प्लस ए टू थ्री, ए थ्री वन, ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी। एम टू टू निकालेंगे, सॉरी एम टू वन थ्री, एम वन थ्री निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डक लेंगे, ए टू वन, ए थ्री टू माइनस ए टू टू, ए थ्री वन, ए वन थ्री निकालेंगे, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री फोर, ए टू वन, ए थ्री टू माइनस ए टू टू,
831 माइनस 1 की पावर 4 क्या चाहिए प्लस 1 तो वैल्यू इसके है 821 832 माइनस 822 831 ठीक है। हम क्या निकालेंगे M21 क्या है सेकंड रो पर फर्स्ट कॉलम को डाल लेंगे A12 A33 माइनस A13 A32 A21 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 3 यानी कि माइनस 1 इनटू में A12 ये कर रहे हैं M12 की वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट लिख देती हूं मैं माइनस A12 A33 प्लस A13 A32 हम निकालेंगे M22 M22 क्या है सेकंड रो पर सेकंड कॉलम को रख लेंगे A11 A33 माइनस A13 A31 A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 यानी माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस 1 आएगा इनटू में M22 की वैल्यू A11 A33 माइनस A13 A31 M23 निकालेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम को रख लेंगे A11 A32 माइनस A12 A31 A23 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 यानी माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 क्या आएगा माइनस 1 इनटू में M23 की वैल्यू माइनस का A11 A32 प्लस A12 A31 M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डाल लेंगे A12 A23 माइनस A13 A22 A32 निकालेंगे माइनस A12 A23 माइनस A13 A22 M32 निकाल लेंगे M32 यानी थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को ढक लेंगे A11 A23 माइनस A13 A21 A32 क्या आ जाएगा माइनस A11 A23 प्लस A13 A21 M33 निकालेंगे M33 क्या हो जाएगा थर्ड रो को थर्ड कॉलम को डाल लेंगे क्या मिलेगा A11 A22 A12 माइनस A21 A33 निकालेंगे A11 A22 माइनस A21 A12 हम क्या करेंगे ये प्रूव कर लिया हमने सबके कोफैक्टर्स निकाल दिए तो क्या है पहला ये लिखा लेंगे हम क्या दे रखा है A11 लिख देंगे कैपिटल A31 कैपिटल A31 क्या है हमारे पास ये तो हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे साथ में A23 माइनस A11 A13 A22 फिर क्या है A12 इंटू मल्टीप्लाई A32 माइनस का A12 A11 A23 प्लस का A12 A13 A21 आगे क्या है A13 इंटू कैपिटल A3 A11 A22 माइनस का A33 A12 A21 तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है A11 A12 ये हमें बताना है क्या आ रहा है इक्वल A11 यहाँ पर है यहाँ पर भी है A12 यहाँ भी है यहाँ भी A23 से A23 ये कैंसिल A11 A13 A22 इससे ये कैंसिल A12 A12 A13 यहाँ पर क्या है A33 है नहीं A13 है तो A13
A21 इससे ये कैंसिल, तो किसके बराबर आया, जीरो के। इसी तरीके हमें B, C और D ये तीनों पार्ट भी प्रूव करने हैं, ठीक है। ऐसे हमें बाकी के तीन पार्ट शो करने हैं। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है।